असद भाई, क्या अफगानिस्तान की टीम में अगर उनका टेम्परामेंट ठीक नहीं होता और वो जो तजुर्बेकार प्लेयर्स उनके पास एक दो हैं वो भी टेम्परामेंटली उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करे ओडीआई क्रिकेट में, क्या बैकअप में इतने प्लेयर्स हैं? क्योंकि अफगानिस्तान ने हमने देखा है कि अभी पाकिस्तान को उन्होंने एशियन गेम्स में शिकस्त दी है, वो उनका बैकअप था जिसमें शहजाद भी खेल रहे थे, आई थिंक दो तीन प्लेयर और भी नामी गरामी और शहजाद तो काफी से खेलते रहे, मेरे ख्याल में इतनी फिटनेस तो नहीं होगी इस लेवल की इनकी, और जिस तरह से फिटनेस लेवल है वो 50 ओवर्स में मजीद आपको और इम्प्रूव करना पड़ता है। जितने भी हैं अभी मुशरफी और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो भी मेरे ख्याल में खेल रहे हैं, मगर खेल रही है दो साल से टीम के साथ हैं, लेकिन असल में टेम्परामेंट होना चाहिए आपके पास, टेक्निकलिटीज होनी चाहिए। इंजमाम उल हक ने 50 ओवर की गेम में जो झंडे गाड़े हैं, आई थिंक पाकिस्तान के वो लिविंग लेजेंड हैं। ये तो वैसे ही हमने बना लिया ना जी कि उनकी फिटनेस नहीं है, शरजीत खान को बाहर बटा दिया, इमाद मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में शायद अच्छा परफॉर्म करते न्यू बॉल के साथ, अगर हमारे पास वैसे भी बॉलर नहीं था, नहीं बॉलर तो ये तो हमने वैसे ही बना लिया है कि 50 ओवर में फिटनेस होनी चाहिए, फिटनेस तो होनी चाहिए ना। देखिए आप फिटनेस के बगैर गेम नहीं है, बीप टेस्ट होता है, उसमें ट्रेनिंग सेशन होते हैं, बॉय मैकेनिक चीजें इतनी आ गई हैं, मगर फिर भी ये इनको मेंटल फिटनेस की जरूरत है। अफगानिस्तान को स्टे करना है, क्रीज पे खड़े होना है आपने, और जिस तरह हमने बताया कि इन्हीं को लेकर चलना होता है। पिछले मैच में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट मैंने बताया कि के राहुल खेल रहे थे विराट कोहली के साथ, चार बॉले वो खुद खेल रहे थे, लास्ट बॉल में सिंगल लेते थे, फिर स्ट्राइक रोटेट करते थे अपने पास। तो बैकअप पे यही चीज होती है कि कब आउट ऑफ फॉर्म कोई बैटर्स होता है तो उसको उस शेल से निकालना है, किस तरह से निकालना है, पार्टनरशिप से निकालना है मुश्किल वक्तों में। तो यही है कि गुरबाज पे आपने टीम लटकाई हुई है, उसके बाद एक प्लेयर नबी जो है वो थ्रू आउट लेंगे, एशिया कप में भी फेल जा रहे हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं, परफॉर्मर हैं बड़े अच्छे, सीनियर परफॉर्मर हैं काफी सालों से, 10-8 साल से खेल रहे हैं अफगानिस्तान से। 50 ओवर्स में गेम प्लान है, तीन सेशन आपके आते हैं 10-15 ओवर के, उसके बाद 15 ओवर आपको मैच को लेके चलना पड़ता है, तो ये क्वालिटी नजर नहीं आ रही। और आपने बात करी कि कहाँ खेलती है अफगानिस्तान की टीम, देखें इंडिया में खेलती है, वहाँ पर मुकीम रहती है ऑलमोस्ट, अहमदाबाद में उनका कैंप लगता है, दुबई में देखें आप कि वहाँ पर दुबई में आईसीसी इतना सपोर्ट कर रहा होता है उनको, वहाँ पर वहाँ क्रिकेट खेलती है वो। तो ओवरऑल देखें तो 50 ओवर्स गेम में आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपने इम्प्रूव करना है डे बाई डे, अदरवाइज आप क्वालिफाइंग ग्राउंड में खेलते हैं और T20 में आते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं खेलने के लिए। तो ये मेरे लिए आगे अफगानिस्तान में इमर्जिंग टीम जैसे गई भी वहाँ पर चाइना में खेल रही थी, यहाँ पर यही है कि इन लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं है जितने पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास या ऑस्ट्रेलिया के पास होंगे। इनके पास है 19 लेवल पे देखें वर्ल्ड कप होता है 19 का, उसमें काफी प्रोमिसिंग प्लेयर्स इनके पास प्रोड्यूस हुए थे, अगेन एग्रेशन वाली क्रिकेट खेलते हैं, T20 वाली एग्रेशन वाली क्रिकेट है, 50 ओवर्स में पेशेंट चाहिए होता है, टेस्ट मैच में पेशेंट चाहिए होता है, सबर करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टेम्परमेंट को अपना डेवलप करना पड़ता है, वो चीज नजर नहीं आई। पेशेंट वाले क्रिकेटर सर तभी आएंगे उनके पास जब तक उनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं बनता। हमारे पास काजम ट्रॉफी है, इंडिया के पास रणजी ट्रॉफी है, हर मुल्क का अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जिसमें 40 ओवर की गेम्स होती हैं। जब आपके मुल्क के अंदर क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई इस तरह का डोमेस्टिक सीजन नहीं खेला जाता, ज़्यादा देर विकेट पे गुजारते नहीं है, जो भी आता है वो या तो टेप बॉल वहाँ खेल के एकदम से आउट बॉल में आते हैं और T20 खेल रहे होते हैं, तो वो टेम्परामेंट वक्त लेता है। आप जितना देर आप ग्राउंड में गुजारेंगे, जितना आपको एक मैच प्रैक्टिस होगी, बेसिकली नेट्स में टेम्परामेंट नहीं आता, जितने ज़्यादा आपने मैचेस खेले होंगे और ज़्यादा देर आपने विकेट पे गुजारा होगा, ज़्यादा देर आपने ग्राउंड में गुजारा होगा, वो लैक है उनके पास अपना डोमेस्टिक और होम ग्राउंड में भी वहाँ क्रिकेट इतनी कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं ना उनके पास। तो अहमदाबाद में कैंप लगा होता है, कभी वो दुबई में जाते हैं, जब तक उनका बेस स्ट्रांग नहीं होगी, बेस बनेगी नहीं, और जो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रही है अभी बनना जो हालात हैं अफगानिस्तान के, तो मुझे लगता है उनको स्पेस उनको की लिमिटेड ना कर दिया जाए कि वो T20 खेला करें, क्योंकि उनके पास बारहा कोशिश की गई, उनको मौके तो मिले हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, जब क्वालिफाई करके तगड़ी टीमों के सामने आते हैं तो वनडे में वो रह जाते हैं। और पाकिस्तान को बहरहाल ज़ाहिर हमारे उस तरह के अब रिलेशन इतने अच्छे नहीं बन पाए, वरना हमारे प्लेयर्स हमारे बोर्ड ने काफी सारी ऑफर जरूर माजी में रही है कि वो आए यहाँ एकेडमी में, काफी कैंपिंग करते हैं, शायद कभी अफगानिस्तान की आधी टीम पेशावर में ट्रेनिंग करती है। अब वो आपको जो एक बेंच स्ट्रेंथ आपको कह लें या एक बैकअप आएगा मेच्योर बैकअप, वो कि अफगानिस्तान में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए वहाँ वसाइल ही नहीं है, वहाँ कुछ होता दिख ही नहीं रहा कि ऐसा हो।